तो हे गाइस, वेलकम बैक द अनदर वीडियो। तो गाइस, MIUI 13.5 कंट्रोल सेंटर अपडेट आ चुका है। तो गाइस, ये ऑफिशियली अपडेट है, ये मेरे फ़ोन में हो चुका है। अगर गाइस आपको भी ये अपडेट चाहिए तो गाइस ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ आप भी ये अपडेट को कैसे कर सकते हो आपके फ़ोन में। तो गाइस, ये एक ऑफिशियली अपडेट है, ये बेटा यूजर को मिला है, मुझे ये मिल गया है। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मेरा कंट्रोल सेंटर कैसा है। तो गाइस, यहाँ पर चेंज हो चुका है, जो 12.5 था वो नहीं है अभी, अभी जो है 13.5 वाला कंट्रोल सेंटर ऐड हो चुका है। तो इसके लिए गाइस, आपको सबसे पहले जो है सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद एप्पल ऐप्स को ओपन करना है, यहाँ पर जो है मैनेज ऐप्स को क्लिक करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको 3 डॉट ऊपर देखो शो हो रहा है, वो 3 डॉट को क्लिक करना है। उसके बाद जो है शो ऑल ऐप्स को क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से जो सर्च बार है यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। अगर आप पहले कोई वीडियो देख के अपडेट किए होंगे कुछ भी एप्लीकेशन, तो यहाँ पर सर्च कर देना है कास्ट। ओके, तो कास्ट सर्च करने के बाद यहाँ पर डाटा क्लियर कर देना है और जो अपडेट है उसको कैंसिल कर देना है। ओके, यहाँ पर अपडेट मैं कैंसिल कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसको कैंसिल कर देना है। उसके बाद गाइस, फिर से सर्च करना है यहाँ पर सिस्टम UI प्लॉगिंग। ओके, सिस्टम UI प्लॉगिंग को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये APK आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको भी जो है आपको क्लियर डाटा करके अपडेट कैंसिल कर देना है। ओके, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी सब कुछ करके रखा हूँ। तो इतना करने के बाद गाइस, आपका फ़ोन जो है अपडेट के लिए रेडी हो जाता है। तो गाइज, उसके बाद जो है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो लिंक को क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको 3 फाइल मिलेगा, वो फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ जो फाइल है कैसा फाइल है। तो गाइज, यहाँ पर मैं डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हूँ। तो गाइज, ये एक ऑफिशियली अपडेट है। तो गाइज, ये करने से आपको कोई भी रिबूट नहीं करना पड़ेगा, कोई भी रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो यहाँ से जो है ये हो जाता है। तो गाइज, मैं पहले जो अपडेट किया था वो अपडेट भी अभी मुझे आ रहा है, तो कोई ऐसा ये नहीं है, कोई भी फेक काम नहीं होता है। तो अपडेट आपको आएगा, ऐसा ये करने के बाद आपको नहीं आएगा, नहीं ज़रूर आएगा आपको अपडेट। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद गाइज, ये प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद देखिए गाइज, मैं कास्ट कर लिया हूँ, यहाँ पर देखिए म्यूजिक पैनल ऐड हो चुका है। उसके बाद गाइज, यहाँ पर सिस्टम UI प्लॉगिंग को मैं जो है अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद गाइज, देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरा जो सिस्टम UI है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है, तो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइज, मेरा जो सिस्टम UI है वो प्लॉगिंग हो चुका है। तो ये तो गाइज, यहाँ पर जो है मेरा जो कंट्रोल सेंटर है वो चेंज हो चुका है। तो गाइज, 13.5 वाला कंट्रोल सेंटर हो चुका है। तो गाइज, इतना होने के बाद गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग में जाके, तो इसका जो मतलब सेटिंग में किया हूँ अभी तक, तो वो वहाँ पर चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको सेटिंग वो जाकर लेके जाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो 13.5 वाला कंट्रोल सेंटर आया कि नहीं। तो गाइज, मैं आपको दिखाया था कि पहले में आया था, अभी आया कि नहीं। तो गाइज, जो 12.5 वाला जो कंट्रोल सेंटर है वो हटा कि नहीं, वो आपको मैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स दे देता हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं सेटिंग को जाता हूँ। सेटिंग को जाने के बाद गाइज, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये इसमें जाता हूँ। ओके, तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर अभी तक यहाँ पर है, कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। तो ये अपडेट करने के लिए आपको सिंपली वो फाइल में जाना है, वहाँ पर मैं 3 फाइल बोला था, तो 2 फाइल मैं अपडेट कर लिया हूँ। अगर गाइस, ये फाइल अपडेट करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूँ, अगर आप एंड्रॉयड 12 वाला वर्जन आपके फ़ोन में है तो गाइस, ये फाइल को आप अपडेट करिए, वरना मत करिए। ओके गाइस, तो आपके फ़ोन कुछ भी हो सकता है उसके साथ। ओके, तो मैं इसको अपडेट कर दिया हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है एंड्रॉयड 12 है, तो इसको करने के बाद गाइस मुझे बैक जाना है। ओके, बैक जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग में जो है, इनको जाके आपको दिखा देता हूँ, तो वहाँ पर जो है फाइल वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ है। तो देख सकते हो ये एक डेवलपर के थ्रू ये जो हुआ है सब कुछ, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आपको ये कंट्रोल सेंटर चाहिए तो गाइस, इसको आप जो है यूज़ कर सकते हो। देखिए गाइस, पूरा जो है चेंज हो चुका है ऑफिशियली तरह से। तो गाइस, आपको ये अपडेट आगे आएगा, कोई भी ऐसा जानकारी मत रखिए कि अपडेट नहीं आएगा, क्योंकि मैं मेरे फ़ोन में कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी एक ही फ़ोन है, ऐसा नहीं है 2-3 फ़ोन है। तो गाइस, मैं कर रहा हूँ तो आपको भी वो अपडेट आएगा। तो गाइस, यहाँ से जो है आप सब कुछ सेटिंग को जो है यूज कर सकते हो एडिशनल कार्ड को जाके। तो गाइस, यहाँ पर पहले जो था वहाँ पर जो है आप होप को मतलब बंद नहीं कर पाते थे, और जो म्यूजिक पैनल है उसको भी हटा नहीं सकते थे, अभी सब कुछ हटा सकते। तो और ऊपर से यहाँ पर स्मार्टफोन भी ऐड किया गया है, ठीक है, स्मार्टफोन होम भी ऐड किया गया है। तो गाइस, देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर ऐड किया गया है। तो गाइस, Redmi Note 10 Pro में ये अपडेट
बढ़िया काम कर रहा है, मतलब आप देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट है। तो गाइस ये अपडेट मुझे मिला था, मैं इसका जो फाइल है मैं शेयर कर दिया हूँ ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जो है तीन फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो आपके फ़ोन में, अगर गाइस आपके फ़ोन एंड्रॉयड 12 है तो। ठीक है गाइस, तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइस मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सब्सक्राइब जरूरी है मुझे करना, तो क्योंकि मुझे अभी मेरा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो गाइस जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आगे मिलता हूँ कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गाइस कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो।